अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अली और आप देख रहे हैं इन्फो एट हारिस। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई कि एक सबमरीन समंदर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई हुई थी, जो अब गायब हो गई है। इसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी थे। आज के वीडियो में हम इसी सबमरीन के बारे में आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाज़रीन, आज से 111 साल पहले इस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक, जो रात के तकरीबन 2:30 बजे समंदर में डूब गया था। इस वक्त टाइटैनिक कनाडा के पास एटलांटिक ओशन में मौजूद था। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और 2 हिस्सों में टूट गया और समंदर की गहराई में चला गया। टाइटैनिक इस वक्त समंदर की 12,600 फीट गहराई में मौजूद है। जब टाइटैनिक डूबा था तो इस वक्त इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इस दौर में इतनी गहराई में जाना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन फिर 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया था। इसका मलबा तो अलग अलग हिस्सों में मौजूद था। जैसे ये टूटा था, इसके बाद टाइटैनिक की तरफ कई एक्सपीडिशन गई। इससे काफ़ी चीज़ें भी रिकवर की गई, यहाँ तक कि मुख्तलिफ कंपनियाँ टाइटैनिक की तरफ पैसे लेकर लोगों को लेकर जाने लगी। और ये वाकया भी कुछ ऐसा ही है जिसका नाम ओशन गेट एक्सपीडिशन है। ये एक इंसान को टाइटैनिक तक ले जाने के लिए $2.5 लाख चार्ज करते हैं, यानी तकरीबन 7 करोड़ रुपए। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में और फिर वापस ऊपर आने में 8 घंटे लगते हैं। इस एक्सपीडिशन में टाइटैनिक के मलबे के मुतालिक हर चीज़ डिटेल से समझाई जाती है। नाज़रीन, टाइटैनिक तक पहुँचने में जिस सबमरीन का इस्तेमाल होता है, इसका नाम टाइटन है। ये बहुत ही छोटी और तंग सबमरीन होती है, जिसमें सिर्फ 5 लोग आ सकते हैं। अब ये सबमरीन जो गायब हो गई है, ये इतवार की सुबह 8 बजे समंदर के नीचे गई थी, लेकिन 2.25 घंटे के बाद इसका रابطہ ऊपर सिक्योरिटी टीम से ख़त्म हो गया। जब ये सबमरीन वापस ऊपर नहीं आई तो इसको ढूंढने के लिए टीम्स को समंदर में भेज दिया गया। अब यहाँ एक मसला ऑक्सीजन का होता है। नाज़रीन, सर्च टीम को समंदर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ को मार रहा हो, लेकिन ये आवाज़ें किस चीज़ की थी कोई नहीं जानता, और अभी तक इस सबमरीन को ढूंढा नहीं जा सका। समंदर की गहराई के अंधेरे में ये काम काफ़ी मुश्किल है। और नाज़रीन, वो 5 लोग कौन थे जो इस सबमरीन में सवार थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे? इन लोगों में इस कंपनी यानी ओशन गेट एक्सपीडिशन का CEO भी शामिल था। इसके अलावा एक फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी भी सबमरीन में मौजूद था, और तीसरा आदमी एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था, और बाकी 2 लोग शहजादा दाऊद और इनका 19 साल का बेटा सलमान दाऊद था। नाज़रीन, शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में आते हैं। ये एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं और दाऊद ग्रुप का हिस्सा हैं। इनके साथ इनका 19 साल का बेटा सलमान दाऊद भी इस सफ़र में शामिल था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।